Hello once again. This is the third video of class 9th history lesson, The French Revolution. अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, सो लुई 16 चुपचाप तो बैठने वाला था नहीं। उसने सीक्रेटली नेगोशिएट किया प्रशिया के साथ, लेकिन इससे पहले वो प्रशिया के साथ मिलकर फ्रांस के लोगों पे अटैक कर पाता, नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर एक वॉर डिक्लेयर कर दी 1792 में। और आपको तो पता ही है, जब वॉर होती है तो देशभक्ति की फीलिंग जगाने के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज किए जाते हैं। उसमें एक बहुत फेमस सॉन्ग जो कंपोज किया गया वो था मार्सेलेज, और इसको कंपोज किया था रोजें दली ने, और ये इतना फेमस हो गया कि आज की डेट में मार्सेलेज इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और इस टाइम पे लोगों ने बहुत सारे क्लब्स फॉर्म किए, और इसमें से एक बहुत फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब, और जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को पॉपुलरली बोला गया सौ क्यूलॉट्स। सौ क्यूलॉट्स का मतलब क्या है? दोज विदाउट नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस होती हैं शॉर्ट पैंट्स। उस वक्त के अमीर लोग इस तरह की शॉर्ट पैंट्स पहनते थे, जैसा कि इमेज में दिख रहा है। तो सौ जो जैकोबिन क्लब मेंबर्स हैं, वो अपने आप को इन अमीर लोगों से अलग रखने के लिए उन्होंने जो अपना यूनिफॉर्म डिसाइड किया वो थी इस तरह की स्ट्राइप्ड पैंट्स। सो उनको बोला गया सौ क्यूलॉट्स, यानी दोज विदाउट नी ब्रीचेस और दोज विदाउट शॉर्ट पैंट्स। अब जो नई गवर्नमेंट थी, उन्होंने वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए हुए थे, फिर ब्रेड के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे थे, शॉर्ट सप्लाईज थी। सो लोगों को बहुत गुस्सा आया, और जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने 10th ऑफ अगस्त को पैलेस ऑफ ट्यूलरीज को अटैक कर दिया। अब फिर से सिस्टम में चेंज हुआ, अब इलेक्शंस ये डिसाइड हुआ इलेक्शंस दोबारा होंगे, एंड ऑल मेन अबव एज ऑफ 21 विल गेट द राइट टू वोट। अब फिर से न्यू असेंबली इलेक्ट की गई, तो पहले स्टेट्स जनरल थी, नेशनल असेंबली आई, और अब जो न्यू असेंबली थी उसका नाम था कन्वेंशन। ऑन 21st September 1792 फ्रांस में मोनार्की अबॉलिश हो गई, and France became a republic. And 21st January 1793 को Louis 16 को publicly execute कर दिया गया, यानी कि officially kill कर दिया गया, on charges of treason, यानी कि देशद्रोह के charges पे, जैसा कि picture में दिख रहा है। और बहुत जल्दी ही Queen Marie Antoinette को भी यही fate देखना पड़ा, उसको भी execute कर दिया गया। एक ऐसी government है जहाँ का head एक हेरिडिटरी रूलर ना होके एक इलेक्टेड पर्सन होता है। आफ्टर लुईस 16, नेक्स्ट पर्सन हु केम टू पावर इन फ्रांस वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसने रूल किया 1793 से 94 तक, और ये जैकोबिन क्लब का लीडर भी था। इस पीरियड को बोला गया रेन ऑफ टेरर, क्योंकि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने बहुत ही आतंक मचाया हुआ था। जिसको भी उसने अपना दुश्मन माना उसको पहले तो अरेस्ट किया, फिर जेल में डाला, फिर कोर्ट भेजा, और कोर्ट ने भी अगर उसको गिल्टी माना तो उसको भेज दिया गया गिलटीन होने के लिए। गिलटीन क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप अपना सर डालते हैं, ऊपर से ब्लेड आती है और आपका हेड चॉप ऑफ हो जाता है। उसके अलावा नेसेसरी कमोडिटीज लाइक मीट एंड ब्रेड व राशन, यानी कि उतना ही मीट एंड ब्रेड मिलेगा जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। पेजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो अपना ग्रेन्स उसी प्राइस पे बेच सकते हैं जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। लोगों को मना कर दिया गया कि वो महंगा वाला व्हाइट आटा नहीं खा सकते, सबको एक ही जैसी ब्रेड खानी होगी जो होल व्हीट से बनी थी। चर्चेस को भी बंद कर दिया गया और उनकी बिल्डिंग्स को बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ऑल फ्रेंच मेन एंड वेमेन, अब उनको एड्रेस किया जाना था एज सितोयन और सितोइन, इसका मतलब है सिटीजन। उससे पहले उनको बोला जाता था मॉन्जियर और मदाम। सो फाइनली रोबेस्पियर को भी कोर्ट ने गिल्टी माना, एंड जुलाई 1794 को उसको भी अरेस्ट किया गया, एंड नेक्स्ट डे ही वाज आल्सो सेंट टू बी गिलटीन्ड। लाइक एंड सब्सक्राइब।